नैनीताल में आज हमारा तीसरा दिन है। हम जहाँ जाएंगे अपने निशान छोड़ के जाएंगे। नैनीताल आए हैं तो आपका राजभवन आना बहुत, तो कोई मिल गया मूवी आपने अगर देखी है। भीमताल और नौकुचियाताल से लौटने के बाद हमने हमारी शाम को यहीं नैनीताल के किनारे ही बिताने का फैसला किया, और सच मानो तो ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर शाम को बैठना और इस नज़ारे को देखना अपने आप में ही बहुत सुखद अनुभव था। पानी की हल्की हल्की सी लहरें, चारों तरफ पहाड़, और शाम को यहाँ बादल भी घिर रहे थे जिससे मौसम और सुहाना लग रहा था। काफ़ी देर नैनीताल झील के किनारे बैठने के बाद जब थोड़ी सी भूख लगने लगी तो हम लोग मल्लीताल की तरफ गए, जहाँ पर काफ़ी अच्छे मोमोज मिलते हैं। और यहाँ पर क्रेज़ी चाइनीज़ जो शॉप है, ये बहुत ही अच्छे चाइनीज़ कुजीन सर्व करते हैं, जिसमें मोमोज और चाउमीन वगैरह या और भी ऐसी तरीके की डिशेज होती हैं। शाम को डिनर करने से पहले जब हम लोग मॉल रोड घूम रहे थे, तब मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ नोट की कि यहाँ पे मार्केट लगभग 9 बजे करीब बंद हो जाते हैं, मगर जब आप वहाँ की बंद दुकानों के सामने से निकलेंगे तो उनके शटर यहाँ के लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पेंट किए हुए हैं। यहाँ के गढ़वाली रीजन और गढ़वाली कल्चर को उन्होंने अपने इन बंद शटरों पे उतारा है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आपको एहसास ही नहीं होगा कि मार्केट बंद है या आप किसी ऐसे मार्केट से निकल रहे हैं कि जिस जो बेजान है। आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको हर एक शटर गढ़वाली और उत्तराखंड की कहानी बताते हुए नज़र आएगा। क्योंकि मैं उत्तराखंड में था तो मैं चाहता था कि एक बार कम से कम मैं पहाड़ी खाने का लुत्फ ज़रूर उठाऊं। तो काफ़ी पता करने के बाद में मुझे पता चला कि मल्लीताल में ही अनुपम रेस्टोरेंट है जो गढ़वाली खाना और कुमाऊ थाली हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो मैं यहां पहुंचा अनुपम रेस्टोरेंट पर। अभी हम लोग हैं अनुपम रेस्टोरेंट में, और ये यहाँ पर स्थापित हुआ 1938 में, और ये जो थाली आप देख रहे हैं इसको कुमाऊनी थाली कहते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम नैनीताल में हैं और अगर हम कुमाऊनी रीजन का कुछ मंगा सकें या कुमाऊनी में हमें क्या क्या मिल सकता है वो हम मंगवा के देखते हैं। मंगाई है कुमाऊ थाली। हम नैनीताल टूर पर हैं और आज हमने कोशिश की है कि बहुत मुश्किल से ढूँढते हुए हमें ये नैनीताल लेक के ऊपर की साइड में एक रेस्टोरेंट है, अनुपम रेस्टोरेंट। वहाँ से हमें पता चला कि यह कुमाऊ थाली हमें देते हैं, और यहाँ के जो शेफ़ हैं वो हमें बताएंगे कि यहाँ पे ये हमें कुमाऊ थाली में क्या क्या दे रहे हैं। एक बड़ी इलायची भांग की चटनी जी, एक मौनी खीरा रहता, मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड्स, ओके, एक भटके डुबके ब्लैक सोया, अच्छा, एक वाइट सोयाबीन होता है, उसी को कॉम्बिनेशन एक ब्लैक सोयाबीन होता है जी, उसको भिगो के ग्रिल्ड करके लोही कढ़ाई में शॉर्टेज करके बनाया जाता है जी। ये कद्दू की सब्जी, ये कद्दू की सब्जी है, मीठा भी बोलते हैं जी, इसकी सब्जी जी, कुमाऊनी दाल मिक्स, कुमाऊनी दाल मिक्स। इसमें कौन कौन सी दाल बहुत होती है? उड़द होती है, चना होती है, अच्छा, मिक्स होता है, अच्छा, मड़वा रोटी, मड़वा रोटी, रागी रोटी, रागी, रागी की रोटी, रागी की रोटी, ये नीचे उड़द दाल स्टफिंग बड़ी रोटी, अच्छा, राइस, स्वीट में बाल मिठाई, स्वीट में बाल मिठाई देते हैं, मूली का सलाद, पहाड़ी नमक, ये मूली का, मूली का सलाद, पहाड़ी नमक, पहाड़ी नमक के साथ में। और ये चीज़ क्या है? बड़ी ले, मूंग दाल,
मूंग, अच्छा, और ये भांग की चटनी, ये भांग की चटनी इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन है। ये साबुत मूंग होती है ना, हरी मूंग जी, उसको भिगो के ग्रिल्ड करके, ग्राइंड करके लोहे कढ़ाई में सॉटेज के थिक करके जी, उसको फिर जैसे कटलेट होते उस हिसाब से बनाया जाता है, ये बटर में डीप फ्राई करके दिया जाता है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। नैनीताल में आज हमारा तीसरा दिन है और ये हमारा आज यहाँ पे आखिरी दिन है। हम हमारे होटल से निकल गए हैं, सामान वामान सब पैक कर लिया है हमने, बस खाली आज लोकल घूमना है। और आज जितने भी नैनीताल के बाहर के हिस्से हैं वो तो हमने घूम लिए थे, बाकी सारी चीज़ें जो नैनीताल से बाहर हैं वो सारी हमने घूम ली थी, और बस आसपास का एरिया घूमना है क्योंकि हमें हमारी ट्रेन शाम की है। तो होटल से चेकआउट करके बस हम लोग बाहर घूमने के लिए निकले हैं। ये हमारी बाइक रेंटल की जगह जहाँ से हमने बाइक रेंट की थी, ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो बाइक रेंटल का शॉप है। सामने आपके नैनीताल झील है, यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर नाव को रिपेयर करने का काम चल रहा है, अभी ऑफ सीज़न है तो इसलिए इनके पास थोड़ा टाइम है, तो ये अपने नाव को रिपेयर कर रहे हैं, जो भी इनकी टूट फूट है उसको सही कर रहे हैं। मैं आपको अंदर से चल के दिखाता हूँ अगर ये परमिट करेंगे तो मेरे को। यहाँ पर इनका नाव बनाने का काम होता है, ये सैलानी यहाँ घूमने आए हैं और यहाँ पर नाव की टूट फूट में पतरी लगाना और ये सारे काम, जो भी लीकेज हो इनमें इनके लीकेज को ठीक करना। ये सारी पुरानी नाव हैं जिनको ये रिपेयर कर रहे हैं। और ये लगभग नाव कितने साल पुरानी होगी? करीबन 10 साल। 10 साल पुराना। इसमें जो ये लकड़ी लगा रहता है ये किस चीज़ का होता है? ये तुन। कौन सा? तुन। हम लोग आए हैं नैनीताल में राजभवन। अगर आप नैनीताल आए हैं तो आपका राजभवन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे हॉट एंड हैपनिंग प्लेस है आपके घूमने की। अगर आपने राजभवन नहीं देखा है तो आपकी नैनीताल यात्रा अधूरी समझी जाएगी। और यहाँ आने के लिए हमें बहुत फाइट करना पड़ा, एक घंटे के सेगमेंट्स होते हैं यहाँ पे। अभी 12 बजने वाले हैं और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और टिकट लिया है। 50 रुपये पर पर्सन यहाँ पर टिकट है और इसमें आपका गाइड भी मिलेगा आपको, और अंदर इसमें वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से एक बार दिखा देता हूं और बाकी बात मैं आपको इसको विज़िट करने के बाद बताऊंगा। थैंक यू।
राजभवन नैनीताल के अंदर, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है नैनीताल की। और एक जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जगह अगर आप पहचान रहे हैं तो कोई मिल गया मूवी आपने अगर देखी है तो उसके अंदर जहाँ UFO उतरता है जिसमें से जादू जंगल में खो जाता है, तो ये वही जगह है जहाँ पर इसकी शूटिंग हुई थी। और नैनीताल में ऐसी कई जगह है जहाँ पर कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी। राजभवन का नज़ारा, ब्रिटिश काल की बनी हुई है बिल्डिंग, आज भी बुलंद है। इसको बनने में पूरा 2 साल लगा और बाकी डिटेल मैं आपको इसकी दूंगा। खूबसूरत बिल्डिंग है, यहाँ पे अंदर और बाहर सिर्फ 10 मिनट मिलता है, 10 मिनट गाइडेड टूर आपको मिलेगा और बाहर से आप इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं। घास वगैरह में जाने के लिए यहाँ मना किया गया है और सिर्फ 10 मिनट दिए गए हैं पूरी बिल्डिंग को कैप्चर करने के लिए। अगर आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाना चाहते हैं तो सिर्फ 10 मिनट हैं आपके पास। ये पूरा एरिया है राजभवन का। ये नैनीताल का राजभवन है और 2 साल के अंदर बन के ये बिल्डिंग तैयार हुई थी। सारा इंटीरियर जो है टीक वुड का है, बर्मा का। सामने जो आप मेरे बिल्डिंग देख रहे हैं ये नैनीताल का मशहूर शेरवुड कॉलेज है जहां से अमिताभ बच्चन ने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। नैनीताल आ रहे हैं तो यहाँ की लोकल मिठाई ज़रूर लें, जो कि आपको मिलेगी मामूस नैनी स्वीट्स हाउस पे। और ये तिब्बती मार्केट से ठीक ऊपर चढ़ के ही है, 2 दुकानें एक साथ हैं ये मामूस स्वीट्स हाउस, और एक ये कॉर्नर की दुकान है। यहाँ से मैंने ये बाल मिठाई ली है जो इन्होंने मुझे 400 रुपये केजी दी है। ये यहाँ की लोकल मिठाई है और ये टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ की लोकल गुजिया और लोकल स्वीट समोसा लिया है। आप यहाँ आएँ तो ये मिठाई ज़रूर लें। नैनीताल टूर के आखिरी दिन हमने हमारे चैनल के प्रमोशन के लिए 3रा स्टिकर जहां से हमने बाइक रेंट की थी वहीं लगाया। नैनीताल जैसा कि पहाड़ी इलाका है, यहां पर ज़रूरत की चीज़ें भी पहाड़ों पर ही मिल पाती हैं और वहां तक पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है। आपको सिलेंडर या और दूसरे भारी सामान, घरेलू सामान या जो भी है, आपको इस तरीके हमाल करके ऊपर तक पहुँचाने होते हैं। आपका नाम क्या भैया? नरेंद्र। इनका नाम नरेंद्र है और ये देखिए इनकी जूट की रस्सी है,
इससे ये सिलेंडर को बांधते हैं और ऊपर कितने कितने किलोमीटर ऊपर तक आप चलते हैं इसको लेके? 20 किलोमीटर तक भी आप चले जाते हो? जहाँ ऑर्डर आता है और इनका ये चले जाते हैं। इस तरीके का काम नैनीताल के अंदर मैंने बहुत देखा है कि लोग ये जो जूट की रस्सियाँ होती है इसमें अपने सामान को बांध के जिसका जहाँ ऑर्डर होता है पहाड़ी इलाके तक इसको पहुँचा देते हैं। ये भी एक अजीब चीज़ है पहाड़ों की जो हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो नैनीताल से अपने 3 दिन के सफ़र को अलविदा कहने का समय आ गया था और समय था नैनीताल से काठगोदाम तक की दूरी तय करने का, क्योंकि नैनीताल में किसी भी तरह की ऊबर या ओला नहीं चलती है, इसलिए यहाँ शेयरिंग टैक्सी पर डिपेंड होना पड़ता है। और नैनीताल से काठगोदाम तक की दूरी लगभग 36 किलोमीटर की है, तो पर पर्सन यहाँ से 150 रुपये शेयरिंग के हिसाब से टैक्सी आपको प्रोवाइड हो जाएगी जो आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक छोड़ देगी, जो कि यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। हमारे इंडियन आर्मी के वो जवान हैं जिन्होंने लड़ाई के दौरान अपनी जान दे दी, और ये वो 4 बहादुर सिपाही थे जो अल्मोड़ा, नैनीताल और कठुरा जो उत्तराखंड रीजन में रहते हुए इंडियन आर्मी में अपनी सेवा दी और वीर चक्र से इन्हें नवाजा गया है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर ही इनकी स्मृति में ये दीवार बनाई गई है, आप यहाँ आएँ तो ये जरूर देखें।